हिमाचल की ठंडी वादियों में भले ही मौसम ठंडा है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। इसी कड़ी में नालागढ़ की पंचायत रामशहर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के चुनावी सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मंच के माध्यम से गाली निकालने का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस द्वारा अलग अलग जिलों में सतपाल सत्ती के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकाली जा रही है, वहीं पुतले भी फूके जा रहे हैं। इसी कड़ी में नालागढ़ के विधायक व हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष लखविंदर राणा ने रामशहर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने की निंदा की और कहा कि नालागढ़ में मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में थाना रामशहर व नालागढ़ में सतपाल सत्ती के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जी, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन जो था रामशहर में किया गया, लेकिन उस वक्त जो टिप्पणी उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर की, एक अभद्र भाषा का जो है उन्होंने वहां पर बोला गया, और उसको हम बता नहीं सकते कि जो बात उन्होंने वहाँ पर जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहा गया है, लेकिन एक प्रदेश के अध्यक्ष होते हुए उसको इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर, ये बहुत गलत बात है, अनमर्यादित है, और मैं कहना चाहता हूँ कि उसको भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए। इसी तरह उन्होंने जो है हमारे जो यहाँ पर राधा स्वामी समाज के लोग हैं उनके ऊपर भी ऐसी टिप्पणी की कि ले देकर ये वोट डाल देते हैं। हमारे नालागढ़ हलके के पूरे हमारे जो राष्ट्र के या देश के जो राधा स्वामी हैं उनके भी अपमान उन्होंने किया है, तो मैं चाहता हूँ इन लोगों से माफ़ी तो मांगनी चाहिए, लेकिन जो हमारे और हम चाहते हैं कि इनके ऊपर जो है सख्त जो है कार्रवाई जो है की जाए। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुसैन चंद ठाकर जी, उनकी पूरी कार्यकारिणी और पूरे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, उन्होंने आज SDM महोदया के माध्यम से एक ज्ञापन जो है दिया है, और इसी को लेकर आज एक FIR प्राथमिकी दर्ज जो है नालागढ़ पुलिस स्टेशन में भी करवाई गई है, और उसी को लेकर एक प्राथमिक जो है FIR रामशहर में भी जो है कराई गई है कि सतपाल सत्ती के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, और ये भी कहा गया चुनाव आयोग जो है उसको भी एक ईमेल करके उसको भी अवगत कराया गया कि जो हमारी ये सतपाल सत्ती जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। भाजपा नहीं कर रही है, महंगाई की बात की थी उसकी बात नहीं कर रही है, तेल डीजल सस्ता करने की बात की थी उसकी बात नहीं कर रही है, 15 लाख देने की बात की थी उसको जुमला इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद उसको जुमला बताया है, और लोगों की जान माल की रक्षा जो है वो नहीं हो रही है। और जन तरीके से सत्ती जी के बारे में कहना चाहूंगा कि इलेक्शन वो हारे हैं, मैं भी इलेक्शन हारा हूं, इलेक्शन हार जीत जो है वो एक प्रक्रिया है, एक मतलब एक रास्ता है, हार जीत बनी हुई है, लेकिन उनको मतलब ऐसे बुखलाहट में आके इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सत्ती जी को कहीं एडजस्ट करें ताकि उनका जो है बौखलाहटपन जो है दूर हो, तो इस तरीके की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए, इसकी मैं निंदा करता हूं, और वो इसकी माफी जब तक नहीं मांगेंगे तब तक प्रदेश कांग्रेस जो है हम पूरे ब्लॉक स्तर पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी स्तर पे जो है इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।